तो ना ना ये जो कह रहे हो ना दो रोटी तो मेरे पास है, हाँ, उसको दोबारा बोलो। हाँ, अभी जैसे हम ये कह रहे हैं कि इंसान कहता है कि हम बुरा बुरा परिस्थिति में, हाँ, और हम ये कह रहे हैं कि उसका बुरा परिस्थिति तो उसका लग्जरियस है। हाँ, अगर गौर से देखें तो एक शरीर को दो रोटी और एक खटिया, हाँ, सोने के लिए चाहिए, और ये हमारे पास है, और यदि ये हमारे पास है तो फिर हम दुखी कैसे हैं? फिर एक तत्व आता है कि एक पत्नी हो जाता, एक बेटा हो जाता, एक परिवार हो जाता, ईश्वर तो वो भी दे रखा है। हम तो ये नहीं कहे कि हमको अंबानी की तरह बीवी चाहिए था, हाँ, और राम की तरह बेटा चाहिए था, हाँ, हम जो औलाद मांगे पत्नी मिली, हाँ, ये दोनों मिला, पिता भी मिले, हम ये भी नहीं कहते कि दशरथ जैसा पिता चाहिए, और जब पिता भी मिल गए और ये सब संपदा मेरे पास मौजूद है और हम इसको भुलाए बैठे हैं और अब कहते हैं कि थोड़ा देखिए मेरा हाथ, हम बहुत दुखी हैं। तो यानी ये दुख तुम्हारा बोया हुआ वो बीज है, हाँ, जिसको तुम ही काट सकते हो और तुम ही निपटारा कर सकते क्या हो, बाकी दुनिया में किसी में ताकत नहीं है कि तुम्हारा इस चीज को निपटारा। बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही, ठीक है ना? यस यस। तो हम वहां से क्या हुआ कि ये सब छोड़े और आ गए हम घर, फिर सोए एक दिन तो मेरा सांस में पूरा परेशानी होने लगा, इतना परेशानी होने लगा कि अब लगा गर्दन को चिप रहा है। तो ये तीन दिन चार दिन बड़ी भयंकर अवस्था चला। तो एक दिन हम ईश्वर से पूछ रहे हैं मन ही मन ध्यान लगाकर कि आखिर ये प्रॉब्लम क्यों आ रहा है? हम तो गए थे समाधान करने लोग का, हाँ, और हम खुद प्रॉब्लम में फंस गए हैं, हाँ, तो प्रभु मेरा समाधान, हाँ, तो प्रभु 9 दिन बाद हमको ये फिर उत्तर मिलता है, वही रिजल्ट सामने आता है कुछ कंप्यूटर का लेख में कि जो ज्ञान आपको मिला है वो खोलने के लिए नहीं मिला है, वो आपके लिए मिला है। अगर आप सब खोल दोगे तो सजा यही आपके पास होगी। तो मेरे को ये समझ में आया कि ज्ञान व्यक्ति के अंदर में अगर कुछ है, जिस तरह समंदर में बहुत सारा भंडार है, तो क्या समंदर उफन के सबको देता रहता है क्या? वो कहता है जाओ ढूंढो, खोजोगे तो कुछ पाओगे। तो अगर हमको भगवान कुछ दिया है तो जिनको खोजना होगा वो मेरे अंदर घुसेंगे, घुसेंगे, तैरेंगे, तब हमसे उससे एक कुछ निकाल पाएंगे, तो वो उनका मेहनत का होगा। और हम मेरे पास है तो हम ऐसे निकाले, ऐसे दे दिए, तो दान का धन 3 पीढ़ी से ज्यादा रहता है। नहीं, वाह, एकदम सही। तो हम एक लिखे थे कि लक्ष्मी 3 प्रकार की होती है, एक ज्ञान लक्ष्मी, अज्ञान लक्ष्मी और दान लक्ष्मी। तो बड़े बड़े तपस्वी लोग यहाँ से हरिद्वार से आए थे और वो हमसे सवाल करने लगे कि आखिर ये आप कैसे बोल सकते हैं। हम उनसे कहे कि देखिए, जो अज्ञान लक्ष्मी होता है वो इसी उम्र में इंसान कमा तो लेता है, हाँ, कैसे कमाता है उसको पता नहीं, अचानक धन आ गया, लेकिन इसी जीवन में वो गंवा देगा या उसका बेटा गंवा देगा। और वो कहता है कि बहुत इनकम किए थे यार, लेकिन कहाँ चला गया पता ही नहीं चला। ये हो गया अज्ञान लक्ष्मी। और एक होता है दान लक्ष्मी, जो पूर्वज द्वारा जो मिलता है घर द्वार बाड़ी, ये चौथा पीढ़ी में पांचवा पीढ़ी होते होते या तो लड़की का संपत्ति हो जाता है या ये बिक जाता है, इसका मालिकाना हक उसके पास नहीं रहता, नहीं रहता, तो ये चौथा पीढ़ी में खत्म हो जाएगा, खत्म। तो उस खानदान में हो सकता है वंश ना हो, अगर हो तो बेटी हो, या हो सकता है कि वो 2, 4, 5 भाई का ऐसा हो कि वो दूसरे का हो जाएगा, इनका नहीं होगा, तो चौथा पांचवा पीढ़ी में वो बिक जाएगा। और एक ज्ञान लक्ष्मी जिसको टाटा बिरला अंबानी ने कमाया, वो पहले रोजगार दिए, उस रोजगार से जो एक एक रुपया, एक एक पैसा निकाले, एक घंटा को 10 आदमी से 10 घंटा किए, 10 आदमी से 100 घंटा किए, और 100 घंटा को एक एक पैसा अगर कमा के जोड़े तो उनका जो ये भंडार बना वो इस जन्म में कभी खत्म नहीं होगा, वो समाज कल्याण के लिए चलता रहेगा। इसीलिए ज्ञान से कमाया हुआ धन कभी नाश नहीं होता है। तब हम समझ गए कि हमको ज्ञान के माध्यम से कमाना है पैसा, ये अज्ञान के माध्यम और दान के लक्षण नहीं चाहिए। अज्ञान, अज्ञान के माध्यम से कमाई नहीं चाहिए और दान भी नहीं चाहिए, हमको ज्ञान से पैसा अर्जित करना है। तो वो ज्ञान कब होगा? जब लोग मेरे पास आएंगे, हमसे कुछ सवाल जवाब करेंगे और वो बहुत ज्यादा मंथन करके हमारे समंदर से कुछ निकालेंगे, और उनको अगर मिल गया, हाँ, और उनका जीवन अगर पार हो गया, तो वो जो धन होगा मेरा, वो मेरा 8वां 10वां 20वां पीढ़ी तक खराब नहीं होगा। तो इस धन के कमाने के माध्यम से मेरे मन में विचार आया कि अब हमको ये कर्म करना है। बहुत सुंदर, बहुत सही विचार है।